चैनल आई एम सिमरन सहनी एंड आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 10th का चैप्टर 10 प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। ये जो चैप्टर है आपकी लास्ट यूनिट का चैप्टर है। इससे पहले की यूनिट के जितने भी चैप्टर है वो मैं पढ़ा चुकी हूँ, उनकी वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। एंड आपका सिविक्स का जो सिलेबस है क्लास 10th की SST का वो भी मैंने अपनी कंप्लीट करा दिया है, तो वो वीडियोज भी आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हो। सो आज हम पढ़ेंगे प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज। ओके, तो अपना पहला टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम है द फर्स्ट प्रिंटेड बुक्स। तो इसमें हम पढ़ेंगे ये जो इतनी मोटी मोटी टेक्स्ट बुक आपको पढ़नी पड़ती है हिस्ट्री ज्योग्राफी की और मैथ्स की, तो वो सब की शुरुआत कहाँ से हुई, कहाँ से ये बुक्स हमारे लाइफ में आई थी। तो बेसिकली चाइना था, चाइना, जापान एंड कोरिया, यहाँ पे स्टार्ट हुआ था एक प्रिंटिंग का मेथड जिससे बुक्स बनती थी, जिसको हम कहते थे हैंड प्रिंटिंग। पहले कोई फोटोस्टेट की मशीन नहीं होती थी, कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी, उस टाइम पे हैंड प्रिंटिंग होती थी। पेपर के ऊपर या लीव्स के ऊपर लोग अपने हाथों से लिखते थे एंड उनकी सिलाई होती थी एंड वो एक फॉर्म ऑफ बुक बनाते थे। तो फर्स्ट जो तरीका था प्रिंटिंग का वो क्या था, हैंड प्रिंटिंग। उसके बाद AD 594 में चाइना के अंदर बुक्स को प्रिंट करने का एक नया तरीका निकला जिसका नाम था वुड ब्लॉक प्रिंटिंग। वुड ब्लॉक प्रिंटिंग में क्या होता था, देखो एक वुडन ब्लॉक होता था, उस पर लिखा होता था, सब कुछ उभरा हुआ होता था और लिखा होता था, उसके ऊपर इंक डाल दी जाती थी। इंक जब उसके ऊपर वुड ब्लॉक के ऊपर डल जाती थी तो पेपर लेके उसके ऊपर रब करा जाता था और वो जो कुछ भी ब्लॉक पे लिखा होता था वो पेपर के ऊपर प्रिंट हो जाता था। सो दिस वॉज द वुडन ब्लॉक प्रिंटिंग। अब उस टाइम पे जो शीट्स होती थी पेपर की वो बहुत पतली होती थी, जब उसको वुडन ब्लॉक पे रखते थे तो वो जो इंक थी वो पीछे वाले पेज पे भी आ जाती थी, तो वो जो पीछे वाला पेज था उस पर प्रिंटिंग नहीं होती थी। जैसे आजकल आपकी बुक है एक दोनों साइड पे प्रिंटिंग हो रखी होती है, तब सिर्फ एक ही साइड पे प्रिंटिंग होती थी एंड वो प्रिंटेड जो शीट्स होती थी उनको ऐसे आपस में ये लोग इकट्ठा करके स्टिचिंग कर देते थे। जो स्टिचिंग होती थी तो फिर वो ऐसे खुलती थी एंड उनको क्या कहते थे हम, अकॉर्डियन बुक, और उनके अंदर से वन साइड ही प्रिंट होता था। तो आपके एग्जाम में अगर आएगा व्हाट वर द अकॉर्डियन बुक, तो आपको बस लिखना है कि वो एक साइड पे प्रिंट जिसमें हम करते थे थ्रू वुडन ब्लॉक प्रिंटिंग, उनको हम अकॉर्डियन बुक कहते हैं। ठीक है, अब हम चाइना के अंदर बुक्स क्यों बनी, शुरू क्यों हुई बुक्स बनी। देखो चाइना के अंदर एक ह्यूज ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम था। ब्यूरोक्रेट्स कौन होते हैं, जो हमारे सिविल सर्विसेज के एग्जाम देकर जो DM हो गए, MD हो गए, ये सब जो बनते हैं इनको हम क्या कहते हैं, ब्यूरोक्रेट्स। तो चाइना के अंदर ब्यूरोक्रेट्स की बहुत जरूरत थी एंड ब्यूरोक्रेट्स को कैसे चूज करा जाता है, सिविल सर्विसेज के एग्जाम करवा के। अब जब सिविल सर्विसेज के एग्जाम होने थे तो जो कैंडिडेट्स थे उनको बुक्स की जरूरत थी पढ़ाई करने के लिए। तो जैसे ही सिविल कैंडिडेट्स बढ़े सिविल सर्विसेज के, तो टेक्स्ट बुक की प्रिंटिंग जो थी वो मार्केट में बढ़ गई। क्यों, क्योंकि अब किसी को पेपर देना है तो उसे बुक्स तो चाहिए पढ़ाई करने के लिए। उसके बाद 16th century के अंदर जो कैंडिडेट्स थे वो और बढ़ गए, यानी कि एस्पायरेंट्स जिनको हम कहते हैं, अगर उन्हें ऑफिसर बनना है उसके जो एस्पायरेंट्स थे वो बढ़ गए, तो ज्यादा बुक्स की डिमांड होगी, ज्यादा बच्चों को पढ़ाई करनी है। तो धीरे धीरे बहुत ज्यादा बुक्स की डिमांड हो गई चाइना के अंदर एंड चाइना के अंदर बहुत तेजी से बुक्स प्रिंट होनी स्टार्ट हो जाती हैं। और 16th century में डिमांड बढ़ी, 17th century में जो चाइना था वहाँ का जो प्रिंट कल्चर था वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाता है। जो और 17th century में यूज़ ऑफ प्रिंट डाइवर्सिफाइड, ये बुक लाइन जो है आपकी बुक में भी लिखी है एंड आपको आपका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा उसमें भी मेंशन करनी है। डाइवर्सिफाइड मतलब पहले जो टाइम था उसमें बस स्टूडेंट्स जिनको सिविल सर्विसेज का एग्जाम देना है सिर्फ वो ही बुक्स खरीद के पढ़ा करते थे, बट अब जो प्रिंट्स था वो खाली स्कॉलर्स और ऑफिशियल यूज नहीं कर रहे थे, अब जो प्रिंट था यानी कि जो बुक्स थी वो बाकी लोगों ने भी पढ़नी शुरू कर दी, जैसे कि स्टूडेंट्स, मर्चेंट्स डेली लाइफ में वो बुक्स का यूज करने लग गए। और जो रीडिंग था वो एक लेजर टाइम एक्टिविटी बन गया, लेजर टाइम एक्टिविटी मतलब फ्री टाइम एक्टिविटी बन गया। मेनली जो रिच वुमेन्स थी, अमीर औरतें जो थी, उन्होंने रीडिंग की हैबिट डेवलप करी, वो खाली टाइम में बैठ के कहानियां पढ़ती थी एंड उसके बाद उन्होंने अपने प्लेस पब्लिश करने शुरू कर दिए। जब वो बुक पढ़ रही हैं उनको नॉलेज आ गई, उसके बाद उन्होंने, अमीर औरतों ने अपने प्लेस लिखने शुरू कर दिए, पोएट्री बनानी शुरू कर दी एंड उनको भी प्रिंट करवाना उन्होंने शुरू कर दिया। 17th century हमने पढ़ लिया क्या हुआ 17th century में। अब हम पढ़ते हैं लेट 19th century में वेस्टर्न प्रिंटिंग मशीन आती है चाइना के अंदर
और मैकेनिकल प्रेस इंपोर्ट होती है चाइना के अंदर। वेस्टर्न प्रिंटिंग मशीन और मैकेनिकल प्रेस कौन सी थी वो मैं आपको ये वाले टॉपिक है जो लास्ट टॉपिक है गुटेनबर्ग प्रेस वाला उसमें बताऊंगी। तो धीरे धीरे 19th सेंचुरी तक चाइना के अंदर वुड ब्लॉक प्रिंटिंग हट जाती है और एक वेस्टर्न प्रिंटिंग मशीन आती है, तो उसके बारे में हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। और जो ये इतना सब कुछ प्रिंट जब चाइना के अंदर चल रहा था तो उस टाइम पे शंघाई जो था वो वहाँ का न्यू प्रिंट हब बन जाता है। एंड जो ये शिफ्ट था फ्रॉम हैंड प्रिंटिंग टू मैकेनिकल प्रिंटिंग चाइना के अंदर 19th सेंचुरी के बाद देखा जाता है। शुरुआत में हाथ से लिखा जाता था, फिर वुड ब्लॉक से लिखा गया, फिर एक मैकेनिकल प्रेस आई चाइना के अंदर। अब नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है प्रिंट इन जापान। ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर नेक्स्ट टॉपिक, प्रिंट इन जापान। तो हमें देखना है कि जापान के अंदर प्रिंट कल्चर कैसे आया। तो बुद्धिस्ट मिशनरीज थे चाइना, फ्रॉम चाइना वो गए जापान के अंदर और इन्होंने इंट्रोड्यूस करा चाइना के अंदर हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। तो चाइना के अंदर हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा डेवलप हो गई थी फ्रॉम 768 AD टू 770। ये जो डेट है आपको याद रखनी है। और जो ओल्डेस्ट जापनीज बुक थी वो प्रिंट हुई AD 868 में, जिसका नाम था डायमंड सूत्रा। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट 1 मार्क क्वेश्चन है इस चैप्टर का। AD 868 में डायमंड सूत्रा प्रिंट हुई थी, ओल्डेस्ट जापनीज बुक है ये। मेडिवल पीरियड में उसके कुछ टाइम बाद जापनीज पोएट्स एंड राइटर्स थे, उन्होंने रेगुलरली बुक्स को प्रिंट करना शुरू कर दिया बहुत चीपर रेट्स पे, और वो बहुत एबंडेंट भी होती थी, यानी कि वो काफ़ी जो इजीली अवेलेबल हो जाती थी इस लोगों को, तो वो चीपर भी थी, इजी अवेलेबल भी थी। तो इसीलिए जापान के अंदर भी जो बुक्स का कल्चर था वो बहुत ज़्यादा फेमस होने लग गया। और जितनी भी लाइब्रेरीज होती थी हमारे जापान की वो पैक्ड रहती थी विद हैंड रिटन बुक्स। वहाँ पर बहुत सारी बुक्स होती थी जिनको स्क्राइब्स लिखते थे अपने हाथों से। उसके बाद कौन कौन से टॉपिक्स पे वहाँ पे बुक होती थी, बहुत सारे टॉपिक्स पे, जैसे कि वुमेन्स कैलकुलेशन, फ्लावर अरेंजमेंट, कुकिंग, मॉन्यूमेंट्स, फेमस प्लेसेस, इन सब चीज़ों पे वहाँ पे बुक्स लाइब्रेरीज में होनी शुरू हो गई थी। एंड उस टाइम पे जापान का जो टोक्यो था जिसका नाम था एडो, वहाँ पे बहुत ज़्यादा इलस्ट्रेट होने लग गया अर्बन कल्चर। वहाँ पे आर्टिस्ट पोएट्स वहाँ पे जाने लगे और वहाँ पे उन्होंने बुक्स की प्रिंटिंग करना शुरू करा और बहुत ज़्यादा एक हब बन गया प्रिंट कल्चर का जापान के। कौन सा शहर हमारा? टोक्यो, जिसको उस टाइम पे हम लोग एडो कहते थे। सो हमने पढ़ लिया कि प्रिंट जापान में कैसे आया। अब हमें पढ़ना है प्रिंट कम्स टू यूरोप, हमारा टॉपिक नंबर 2, कि प्रिंट जो था वो यूरोप के अंदर कैसे आया। सो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक। तो 11th सेंचुरी के अंदर प्रिंट आता है यूरोप के अंदर। कैसे आता है? एक बहुत फेमस रूट से जिसका नाम था सिल्क रूट। मैंने आपको चैप्टर 4 में बताया था कि सिल्क रूट से क्या आती थी, स्पाइसेस और जो क्लोथ्स होते थे वो चाइनीज मर्चेंट्स और ट्रैवलर्स जो थे वो सिल्क रूट से ट्रैवल करके जाते थे और यूरोप के अंदर अपनी स्पाइस और अपना कपड़ा बेचते थे। तो उसी रूट के थ्रू एक इटली का एक वो था ट्रैवलर था जिसका नाम था मार्को पोलो। वो जाता है चाइना के अंदर, चाइना को एक्सप्लोर करता है एंड देखता है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रिंट कल्चर एडवांस हो चुका है। वो वहाँ का वुडन ब्लॉक प्रिंटिंग जो मेथड था जो मार्को पोलो है वो लेकर जाता है इटली थ्रू द सिल्क रूट। तो ये रहा हमारा मार्को पोलो, इसके दिमाग में आइडिया किसका है? वुडन ब्लॉक प्रिंटिंग का। इसे लेकर ये पहुँचता है इटली, और इटली कहाँ है? इटली है यूरोप के अंदर। फिर जैसे ही इटली के अंदर ये वुडन ब्लॉक प्रिंटिंग मेथड बनता है तो 1295 से ही इटली के अंदर जो वुडन ब्लॉक प्रिंटेड बुक्स हैं वो बननी शुरू हो जाती हैं, और फिर इटली से वो यूरोप के बाकी पार्ट्स में फैल जाता है ये वाला आइडिया वुडन ब्लॉक प्रिंटिंग का, जैसे कि फ्रांस, ब्रिटेन, ये सब जगहों पर भी वुडन ब्लॉक प्रिंटिंग स्टार्ट हो जाती है। तो जो ये वुडन ब्लॉक प्रिंटिंग होती है वो काफ़ी चीपर रेट पे हो जाती थी एज कम्पेयर टू द लग्जरी एडिशंस ऑफ यूरोप। लग्जरी एडिशंस कौन से होते थे? वो स्क्राइब्स लिखते थे अच्छी सी कैलीग्राफी, अच्छी सी सुंदर सी हैंडराइटिंग में वेलम के ऊपर। वेलम क्या होती है? वेलम एक एनिमल की स्किन होती है, बहुत पतली लेयर, उसके ऊपर प्रिंटिंग होती थी। वो एक हैंड रिटन बुक होती थी, वो बहुत महंगी होती थी, तो उसको जो नॉर्मल पीपल थे, मिडिल क्लास थे, वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे। एंड मर्चेंट्स और द स्टूडेंट्स जो थे और बाकी लोग भी थे वो उनको चीप बुक्स चाहिए थी, वो ये लग्जरी एडिशंस को हायर नहीं कर सकते थे, वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते थे लग्जरी एडिशंस। तो उनके लिए चीपर बुक्स बननी स्टार्ट हुई, डिमांड जो बुक्स की थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी, तो यूरोप ने बुक्स को एक्सपोर्ट कराना शुरू कर दिया। और स्क्राइब्स,
स्क्राइब्स कौन होते थे? वो बुक्स को लिखते थे अपने हाथों से। स्क्राइब्स के पास बहुत ज्यादा काम होने लग गया। जो एक बुक सेलर है, जैसे पहले जमाने में एक बुक सेलर के पास एक ही स्क्राइब होता था, वो बुक लिखता था, बुक सेलर बेच देता था। पर अब बुक्स की डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि एक बुक सेलर के पास 50-50 स्क्राइब होते थे। बट जो डिमांड था वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा था और वो उसकी सप्लाई को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे थे। स्क्राइब्स जो थे वो इतनी बुक्स नहीं लिख सकते थे जितनी डिमांड थी मार्केट के अंदर बुक की। अर्ली 15th सेंचुरी के अंदर वुडन ब्लॉक प्रिंटिंग जो थी उसके थ्रू बहुत सारी अलग अलग टाइप्स की बुक्स बनी और अलग अलग टाइप में वो यूज हुआ। जैसे कि टेक्सटाइल में यूज हुआ वुडन ब्लॉक, कपड़ा होता था उसके ऊपर वुडन ब्लॉक से प्रिंट करा जाता था डिजाइन टेक्सटाइल में। और प्लेइंग कार्ड्स जो ताश के पत्ते होते हैं उसके ऊपर वुडन ब्लॉक प्रिंटिंग का यूज हुआ। और रिलीजियस पिक्चर जैसे कि जो भगवान जी की पिक्चर्स होती है वो बननी शुरू हो गई, क्राइस्ट की और बहुत सारी जो पिक्चर्स थी वो वुडन ब्लॉक प्रिंटिंग के थ्रू बननी शुरू हो जाती है। बट एज आई टोल्ड यू कि डिमांड बहुत ज़्यादा थी एंड सप्लाई कम थी, इसलिए हमें क्विकर और चीपर मेथड चाहिए जो आसानी से बुक्स का प्रोडक्शन कर सके। तो वो क्विकर और चीपर मेथड कौन लेके आया? जर्मनी का जॉनन गुटेनबर्ग, जिसके बारे में हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। तो 1430s में पहली प्रिंटिंग प्रेस बनती है जर्मनी के अंदर, जिसको कौन बनाता है? जॉनन गुटेनबर्ग। उसके बारे में हमने नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ते हैं जो हमारा 2.1 गुटेनबर्ग एंड द प्रिंटिंग प्रेस। तो जॉनन गुटेनबर्ग जो थे वो एक मर्चेंट के सन थे, यानी कि उनके जो फादर थे वो मर्चेंट थे और वो शुरू से ही अपने फार्म पे रहते थे। और उन्होंने एक आर्ट डेवलप कर ली थी, एक स्किल थी उनके अंदर स्टोन्स को पॉलिश करने की। और जब वो बड़े हो गए तो वो एक मास्टर गोल्डस्मिथ बन गए। गोल्डस्मिथ कौन होता है? सुनियार, जो गोल्ड की ज्वेलरीज बनाता है। तो वो अपने काम में मास्टर थे, बहुत अच्छे से जो जॉनन गुटेनबर्ग थे अपने काम को करते थे। वो उनको एक तरीका था उनके पास, ट्रिंकेट्स नाम की एक ज्वेलरी होती है, आप नेट पे सर्च करना ट्रिंकेट्स कैसे होते थे। तो वो ट्रिंकेट्स बनाने के लिए पहले मोल्ड्स बनाते थे, यूज टू क्रिएट मोल्ड्स फॉर मेकिंग ट्रिंकेट्स। मोल्ड्स क्या होता है? जैसे कि आप क्ले गेम खेलते होगे छोटे होते हुए, तो उसमें मोल्ड होता था, उसके अंदर हम क्ले डालते थे तो वैसे की वैसी फिगर निकल के आ जाती थी। तो वो मोल्ड्स बनाते थे अपनी ट्रिंकेट्स बनाने के लिए, देखने के लिए कि डिजाइन कैसा बनेगा। तो पहले टेम्परेरी बनाते थे जिसको मोल्ड्स कहते थे, फिर वो उससे परमानेंट अपना ट्रिंकेट्स ज्वेलरी बनाते थे। तो उनको आइडिया आया मोल्ड्स बनाने का फॉर ऑल द अल्फाबेट्स ऑफ इंग्लिश। उन्होंने सोचा अगर हम हर एक अल्फाबेट का मोल्ड बना देंगे तो प्रिंटिंग करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो वहाँ से शुरुआत हुई हमारी फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस की। एंड उन्होंने जो अपना सिस्टम था ये मोल्ड्स बनाए और जो भी कुछ उन्होंने अपना मशीन वगैरह बनाई, और फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस जो सिस्टम था वो पूरा डेवलप हो गया 1448 में। 1448 में उन्होंने गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस बनाई जो मैकेनिकल थी। आप फोटो में देख सकते हो किस तरीके से वो बना हुआ है जो प्रिंटिंग प्रेस है। तो 1448 में वो मॉडिफाई हो जाती है एंड फर्स्ट बुक जो उस पर प्रिंट होती है वो कौन सी थी? हमारी द होली बाइबल। और जो होली बाइबल थी वो 1448 में प्रिंट हुई। उसके बाद सिर्फ 3 सालों के अंदर बाइबल ही 180 कॉपीज बन जाती है। आज के हिसाब से तो आपको सुनने में बहुत कम लग रहा होगा कि 3 साल में 180 ही बनी है, बट नहीं, उस टाइम के हिसाब से 180 कॉपीज बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जब स्क्राइब्स अपने हाथों से लिखते थे तो 180 कॉपीज बनाने में उन्हें कम से कम 5 से 6 साल लग सकते थे। तो बाइबल बनती है फर्स्ट टाइम एंड 3 साल के अंदर 180 कॉपीज बन जाती है। अब जो प्रिंटेड बुक जो थी ना, वो ऐसा नहीं था कि वो बेकार थी, मैकेनिकल प्रिंटेड जो बुक थी वो भी हैंड रिटन बुक्स की तरह ही रिजेंबल करती थी। उसमें जो मेटालिक लेटर्स से जो बनी होती थी, जो लिखा होता था बहुत ही ऑर्नामेंटल हैंडराइटिंग में लिखा होता था, यानी कि बहुत सुंदर हैंडराइटिंग में लिखा होता था, और वो बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल भी थी लोगों के लिए। तो जो ये मैकेनिकल प्रिंटिंग से जो हो रही थी बुक्स प्रिंट हो रही थी उसमें कोई कमी नहीं थी। उसके बाद 1450s से 1550s में प्रिंटिंग प्रेस जो थी वो बाकी जो देश थे उसमें सेटल होने लगी। जर्मनी के जो वर्कर्स थे जिनको प्रिंटिंग प्रेस में काम करना आता था वो ट्रैवल करने लगे, माइग्रेट करने लगे अलग अलग देशों में। वहाँ पे जाके उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस को लॉन्च करा और वहाँ पे सेटल करी प्रिंटिंग प्रेस और अपना वहाँ पे सेटल होकर अपना काम करने लगे। वो एक बिजनेसमैन बन गए, अलग अलग जगहों पर जाके, फ्रांस में जाके, अलग अलग जगहों पर जाके उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस लगाई और प्रिंटिंग करनी शुरू कर दी। तो नंबर ऑफ प्रिंटिंग प्रेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई और बुक्स का प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया। जब कोई प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ता है तो उसको हम लोग बूम कहते हैं। तो 15th सेंचुरी में 20 मिलियन कॉपीज बननी शुरू हुई हमारी बुक्स की, और 16th सेंचुरी में उसका आप 10 टाइम्स कर लो, 200 मिलियन कॉपीज बनने लग गई। सो दिस वॉज अ ह्यूज
प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा अमाउंट बढ़ गया था, बुक्स की प्रोडक्शन का ऑलमोस्ट 20 मिलियन से 200 मिलियन हो गया था। एंड ये किस वजह से हुआ? गुटेनबर्ग की प्रिंटिंग प्रेस की वजह से। तो ये जो शिफ्ट था फ्रॉम हैंड प्रिंटिंग टू मैकेनिकल प्रिंटिंग, मैंने हैंड प्रिंटिंग को HP लिखा है, मैकेनिकल प्रिंटिंग को MP, तो ये जो शिफ्ट था फ्रॉम हैंड प्रिंटिंग टू मैकेनिकल प्रिंटिंग, इसको कहा गया प्रिंट रेवोल्यूशन। और यही जो थी, यही वेस्टर्न प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी थी, तो वो चाइना वालों ने एक्सपोर्ट करी थी, जो मैंने आपको फर्स्ट टॉपिक में बताया था। सो विद दिस वी कंप्लीट आवर टू टॉपिक्स। अब हमें नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एंड प्रिंट रेवोल्यूशन एंड इट्स इम्पैक्ट। तो देखो, प्रिंट रेवोल्यूशन से क्या हुआ, न्यू वेज इंट्रोड्यूस होने लग गए थे बुक्स को प्रोड्यूस करने के। एक मशीन आ गई थी जिसका नाम था गुटेनबर्ग प्रेस, उससे बहुत ज़्यादा जो बुक्स थी वो प्रिंट होनी स्टार्ट हो गई थी। और जो लाइफ ऑफ पीपल थी, जो लोगों की लाइफ थी, वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है। कैसे ट्रांसफॉर्म हो जाती है? इंफॉर्मेशन और नॉलेज उन लोगों के पास इजीली अवेलेबल हो गई थी। इंफॉर्मेशन बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। आजकल आप लोगों को किसी भी चीज़ पर इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप आसानी से गूगल कर लेते हो। उस टाइम पर लोगों के पास एक नया गूगल आ गया था जिसका नाम क्या था? बुक्स। तो पहले ज़माने में गूगल नहीं था, पहले ज़माने में बुक्स एक नई सी चीज़ थी। तो बुक्स की वजह से इंफॉर्मेशन इजिली अवेलेबल होने लग गई। लोग जब पढ़ाई करने लगे, जब वो चीज़ों को पढ़ने लग गए, तो उनका सोचने का एक नज़रिया बनने लग गया, सबकी अपना अपना एक माइंडसेट होने लग गया और एक थिंकिंग होने लग गई एंड एक डिफरेंट तरीका होने लग गया एट लुकिंग एट थिंग्स। यानी कि कोई अगर एक सिचुएशन उनके सामने आती थी तो उसके ऊपर वो अलग अलग तरीकों से सोच सकते थे। क्यों? क्योंकि रीडिंग एक बहुत अच्छी हैबिट होती है। तो जैसे ही बुक्स आई, लोगों ने रीड करना शुरू करा, तो उनकी लाइफ बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो जाती है। विद द कमिंग ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस, रीडिंग कल्चर इमर्ज्ड। अब पहले इतना ज़्यादा रीडिंग कल्चर नहीं था जब हैंड प्रिंटेड बुक्स मिलती थी। क्यों? क्योंकि वो बहुत लग्जरी थी, बहुत महंगी थी। बट जैसे ही रीडिंग कल्चर कब इमर्ज हुआ? जब प्रिंटिंग प्रेस इंट्रोड्यूस हुई। तो प्रिंटिंग प्रेस ने क्या करा? रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ द बुक, बुक सस्ती हो गई और उसमें जो बनने में उसका टाइम और लेबर लगता था वो भी बहुत कम हो गया। अब हम आते हैं अपने टॉपिक 3.1 पे, द रीडिंग पब्लिक। तो रीडिंग पब्लिक क्या होता है, मैं आपको इस टॉपिक में बताऊंगी। तो जैसे ही प्रिंट कल्चर इमर्ज हुआ, तो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ बुक्स प्रिंट होने लगे, बुक्स की भरमार हो गई पूरे के पूरे वर्ल्ड के अंदर। अर्लियर रीडिंग वॉज रिस्ट्रिक्टेड टू एलाइट्स। पहले ज़माने में जो रीडिंग थी वो एलाइट्स, एलाइट्स कौन होते हैं? जो अमीर घराने के राजा, महाराजा, ब्राह्मण, सिर्फ यही लोग ही रीडिंग करते थे। बट जो कॉमन पीपल थे वो क्या करते थे? वो ओरल कल्चर को फॉलो करते थे। ओरल कल्चर क्या होता है? जैसे कि एक आदमी बीच में खड़ा होकर बुक पकड़ के रीड करता है एंड उसकी तरफ घेरा बना कर चार लोग बैठ के सुनते हैं या बहुत सारे लोग बैठ के उसकी बात को सुनते हैं। इसको कहा गया ओरल कल्चर। तो जब न्यू बुक्स लोगों तक पहुँचने लग गई, बहुत सारी बुक्स लोगों तक पहुँचने लग गई, तो हियरिंग पब्लिक से रीडिंग पब्लिक में ट्रांसफॉर्मेशन आया। हियरिंग पब्लिक यानी कि जो सुनते थे बैठ के, उससे रीडिंग पब्लिक बन गई। कैसे बनी, हम आगे देखेंगे। ये जो ट्रांजिशन था वो सिंपल नहीं था। क्यों नहीं था सिंपल? क्यों? क्योंकि लिटरेसी रेट यानी कि पढ़ाई लिखाई का जो रेट था वो यूरोप के अंदर बहुत कम था। अब अगर आपको बुक पढ़नी है तो एटलीस्ट आपको पढ़ना तो आना चाहिए। अब अनपढ़ के हाथ में अगर आप बुक दे दोगे तो वो उसका क्या करेगा? उसके लिए वो यूजलेस है। तो अगर बुक्स पढ़नी है तो उसके लिए लिटरेसी रेट होना बहुत ज़रूरी था। बुक कुड ओनली बी रेड बाय लिटरेट, एक पढ़ा लिखा इंसान ही एक बुक को पढ़ सकता है। तो जो प्रिंटिंग प्रेस वाले थे उन्होंने सोचा, और बहुत कम पॉपुलेशन ऐसी थी जो पढ़े लिखे थे, तो प्रिंटिंग प्रेस वालों ने सोचा यार अब क्या करें, इतनी बुक्स की डिमांड तो है, अब कैसे क्या करें कि वो लोग पढ़ पाए एटलीस्ट उन बुक्स को। तो उन्होंने अपना एक आइडिया लगाया एंड उन्होंने एक नया वे अपनाया बुक्स को बनाने का। क्या करा उन्होंने? बैलेड्स लिखी, फोक टेल्स लिखी, एपिक्स लिखी, स्टोरी बुक्स लिखी। बैलेड क्या होती है? कहानी होती है जो पोएम फॉर्म में आप गाते हैं। एपिक होती है जैसे रामायण, महाभारत, बहुत लॉन्ग टेल्स जो होती है हमारे पुराने ज़माने की। और फोक टेल्स मतलब लोक गाथाएं। तो उन सबको लिखना शुरू करा, लिखी पहले भी जाती थी बट अब उन्होंने उस बुक के अंदर लिखावट के साथ साथ पिक्चर्स इंट्रोड्यूस करनी शुरू कर दी। जैसे कि अगर रामायण है तो उसमें राम जी की कथा भी लिखी हुई है, साथ साथ में फोटोज लगी हुई है कि कैसे वो हनुमान जी से मिले, कैसे लंका को जलाया एंड ऑल दैट। आपको एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ। तो रिटन मटेरियल के साथ साथ पिक्चर्स देने लग गए। तो अब जो रीडिंग पब्लिक और हियरिंग पब्लिक का ट्रांजिशन में ईजी यहाँ से आया। क्या होता था?
कि जो एक इंसान था ये खड़े होके गाता तो था, वो ही सेम था, बैलेट गा रहा है, ये एपिक सुना रहा है लोगों को, पांच लोग इसके इर्द गिर्द बैठे हुए हैं, बट अब उन पांच लोगों के हाथ में बुक थी, उसको वो थोड़ा थोड़ा पढ़ने की भी कोशिश करते थे, एंड एट द सेम टाइम वो पिक्चर देखते थे, तो पिक्चर देख के उन्हें आसानी से सब कुछ समझ में आ जाता था। जैसे आपकी बुक में हर चीज के साइड में पिक्चर दी हुई है, हिस्ट्री की बुक के साइड में गुटेनबर्ग प्रेस की पिक्चर दी हुई है, अगर वो फोटो ना दी होती तो आपको बहुत डिफिकल्टी होती, आपको नेट पे जाके सर्च करना पड़ता, आपके सामने पिक्चर आपको आसानी लग रही है पढ़ने में। ऐसे ही प्रिंटिंग कल्चर के अंदर पिक्चर्स को डालना शुरू कर दिया गया, देन उनको संग करा जाता था, बोला जाता था कहाँ कहाँ पे, विलेज के चौराहे पे, टैवरन्स में। टैवरन क्या होता है ये आपका आ सकता है डेफिनेशन, टैवरन क्या होता है, टाउन्स के अंदर होता है, छोटे छोटे कस्बों के अंदर एक जगह बनी होती थी, वहां लोग बैठ के अल्कोहल पीते थे, खाना खाते थे, मजे करते थे और कहानियों को सुनते थे। तो ओरल कल्चर और प्रिंट कल्चर इकट्ठा हो गया, अब लोगों के लिए बहुत बड़ी बात नहीं थी जाके सुनना, वो अपनी बुक में देख भी लेते थे और सुन भी लेते थे। और जो रीडिंग पब्लिक और हियरिंग पब्लिक, रीडिंग पब्लिक पहले सिर्फ एलाइट थी और हियरिंग पब्लिक कॉमन पीपल, तो रीडिंग पब्लिक और हियरिंग पब्लिक का जो डिफरेंस था वो कम हो गया, एंड अब मोस्टली जो लोग थे वो आसानी से बुक्स को पढ़ पा रहे थे। सो दिस वॉज द प्रिंट रिवोल्यूशन एंड इट्स इम्पैक्ट का फर्स्ट टॉपिक। अब हमें अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है, सो लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक, रिलीजियस डिबेट एंड द फेयर ऑफ प्रिंट। तो देखो जैसे ही प्रिंट कल्चर स्टार्ट हुआ तो उसने पॉसिबिलिटी क्रिएट करी ऑफ वाइड सर्कुलेशन ऑफ आइडियाज। जब प्रिंटेड बुक सब लोगों के हाथ में जा रही थी तो एक जने का आइडिया बहुत सारे लोग आराम से बैठ के अपने घर में पढ़ सकते थे। इट इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू वर्ल्ड ऑफ डिबेट एंड डिस्कशन। अब जब लोग पढ़ लिख रहे थे, उनके अंदर नॉलेज आ रही थी, उनके अंदर समझ आ रही थी, तो उन्होंने डिबेट और डिस्कशन करना शुरू कर दिया था। नॉट एवरी वन वेलकम द प्रिंटेड बुक्स, हर एक इंसान ने प्रिंटेड बुक्स को वेलकम नहीं करा। कुछ लोगों ने वेलकम क्यों नहीं करा, क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में एक डर था। क्या था? फियर था। फियर किस बात का था? इफ देयर इज नो कंट्रोल ओवर वॉट इज प्रिंटेड, रेबेलियस थॉट्स माइट इमर्ज। यानी कि अगर कंट्रोल नहीं रहेगा कि क्या चीज प्रिंट हो रही है, तो रेबेलियस यानी कि लड़ाई झगड़े वाली जो थॉट्स है, यानी कि जो सोच है, वो इमर्ज हो सकती है सोसाइटी के अंदर। जैसे कि किस टाइप के थॉट्स, आंदोलन कर सकते हैं लोग अगेंस्ट द एग्जिस्टिंग अथॉरिटी, यानी कि जो किंग है, जो मोनार्क है, जो रूलर्स है, उनके खिलाफ जो अथॉरिटी है उसके खिलाफ लोग खड़े हो सकते हैं, या फिर इरिलीजियस थॉट्स माइट स्प्रेड, यानी कि बिना धर्म की बातें, यानी कि जो धर्म के खिलाफ बातें हैं वो लोगों के दिमाग में आ सकती है और स्प्रेड हो सकती हैं। तो यही फियर था लोगों के दिमाग में प्रिंटेड बुक्स का। सब लोग जिसका जो मन है उसने लिखा, प्रिंट कराया, दे दिया, चाहे वो गलत हो या सही हो, उसका फैसला कौन करेगा, ऐसा नहीं था। तो 1517 में यही हुआ, एक रिलीजियस रिफॉर्मर थे, रिलीजियस रिफॉर्मर जिनका नाम था मार्टिन लूथर, बहुत फेमस है, आप सबको पता होना चाहिए कौन थे मार्टिन लूथर। तो मार्टिन लूथर ने लिखे 95 थीसिस। इस थीसिस के अंदर उन्होंने क्या करा, क्रिटिसाइज करा रोमन कैथोलिक चर्च की प्रैक्टिसेस को, RCC रोमन कैथोलिक चर्च। पहले पूरा यूरोप रोमन कैथोलिक चर्च के ऊपर ही चलता था। आपको मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे कि आपको याद होगा कॉन्ज्यूरिंग 3 और द नन मूवी में आपने देखा होगा कि वो चर्च के सीन दिखाते हैं और वो वहाँ पे प्रीस्ट और एक वो थी नन थी, वो आते हैं केसेस को सॉल्व करने के लिए। तो पहले सब कुछ रोमन कैथोलिक चर्च के अंडर में ही आता था। सो दिस वॉज द डोमिनेंस ऑफ रोमन कैथोलिक चर्च इन यूरोप, एंड उसके खिलाफ आवाज उठाई किसने, मार्टिन लूथर ने, ठीक है। तो उन्होंने चैलेंज करा चर्च के कुछ आइडियाज को, खुला चैलेंज मारा उन्होंने। विटनबर्ग जो चर्च था उसके दरवाजे पे उन्होंने अपने 95 थीसिस का जो एक कॉपी था उसको पोस्ट करा, उसमें उन्होंने चर्च की काफी सारी बातों को क्रिटिसाइज करा हुआ था, एंड चर्च को खुला चैलेंज मारा कि देखो मुझे तुम्हारी ये बातें गलत लगती है, आके मुझसे डिबेट करो। तो जैसे ही उन्होंने ये करा तो मार्टिन लूथर की जो राइटिंग्स थी, नाम क्या था उसका, न्यू टेस्टमेंट, उसकी 5000 कॉपीज बिक गई, यानी कि बहुत हाई लेवल पे उसकी प्रोडक्शन हुई एंड वो बहुत ज्यादा बिकने लग गई एंड लोग उसे पढ़ने लग गए। उसका पहला एडिशन आया, उसके 2-3 हफ्ते के बाद ही उसका सेकेंड एडिशन आया, और 1 महीने के बाद उसका थर्ड एडिशन आया, एंड सब लोग उसे वाइडली पढ़ रहे थे। उसको क्या गया गया, द प्रोटेस्टेंट्स, जो लोग उन्हें पढ़ते थे उसकी वजह से क्या हुआ, प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन, लोग प्रोटेस्ट करने लगे अगेंस्ट द प्रैक्टिसेस ऑफ RCC, एंड एक मूवमेंट बन गया टू रिफॉर्म रोमन कैथोलिक चर्च। एक मूवमेंट बना जिसमें रिफॉर्म्स लाने को कहा गया RCC को, RCC रोमन कैथोलिक चर्च को कहा गया, अपनी कुछ चीजों के अंदर आपको चेंजेस यानी कि रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे, एंड रिचुअल्स डोमिनेटेड बाय रोम। काफी सारे रिचुअल्स जो थे, जैसे आपको पता होगा इंडिया में भी पहले जमाने में बहुत
रिचुअल्स थे जो सही नहीं थे, तो उनके खिलाफ भी आवाज उठाई गई। जैसे हरिजन जैसे दलित के खिलाफ काफी सारे ऐसे रिचुअल्स थे जो गलत थे, सती प्रथा, तो उनके खिलाफ लोगों ने आवाज उठाई, वो रिफॉर्म हुए। ऐसे ही आरसीसी के भी कुछ ऐसे रिचुअल्स थे जो गलत थे, तो उनके खिलाफ आवाज उठी। मार्टिन लूथर किंग ने अपनी बुक लिखी एंड एट द एंड वो प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन हुआ। प्रिंटिंग और एक मार्टिन लूथर ने एक बहुत ही अच्छी सी कहावत थी उनकी, वो क्या थी, प्रिंटिंग इज द अल्टीमेट गिफ्ट ऑफ गॉड एंड द ग्रेटेस्ट वन। वो क्या कहते थे, जो ये प्रिंटिंग है ये एक वरदान है हमारे पास, ये हमें भगवान ने दिया है एंड ये एक सबसे बड़ा वरदान है जो हमारे भगवान ने हमें दिया है। क्यों? बिकॉज प्रिंटिंग हेल्प्स टू स्प्रेड द आइडियाज। प्रिंटिंग की वजह से ही हम अपने आइडियाज को स्प्रेड कर सकते हैं। आज भी आपकी जो टेक्स्ट बुक है, अगर वो तुम्हारे हाथ में नहीं होती तो गूगल से सारी पढ़ाई नहीं हो सकती है, ये आप सबको पता है। सो प्रिंटिंग इज द ग्रेटेस्ट गिफ्ट ऑफ गॉड। So we agree with Martin Luther King. अब हमें पढ़ना अपना next topic, print and dissent. The next topic, print and dissent. तो देखो, print जैसे ही books print होने लगे religious matters के ऊपर, तो लोगों ने जो religion था उसको अपने तरीके से interpret करना शुरू कर दिया। तो एक केस हुआ 16th सेंचुरी में, मोनोकियो एक मिलर था इटली का, उसने एक दिन बाइबल उठाई एंड उसने होली बाइबल को पढ़ना शुरू कर दिया। उसमें एक मैसेज था, व्यू ऑफ गॉड एंड क्रिएशन, तो भगवान के उनके जीसस क्राइस्ट ने लिखे थे जो व्यूज थे ऑफ गॉड ऑन क्रिएशन, वो उसने पढ़ लिया। उसने जब वो पढ़ा तो उसने उसको अपने तरीके से, भगवान के उस मैसेज को अपने तरीके से इंटरप्रेट करा। वो जो मैसेज उसने इंटरप्रेट करा उसने उसको प्रिंट करा एंड उसकी कॉपीज भी बिकने लग गई। तो जैसे ही ये हुआ तो आरसीसी गॉट एंग्री, यानी कि जो रोमन कैथोलिक चर्च था वो गुस्से में आ गया। क्यों? क्योंकि जो उसने मैसेज को इंटरप्रेट करा था वो गलत था, इट वॉज हेटिकल। हेटिकल मतलब क्या होता है, वो आइडियाज जो चर्च के रूल्स के खिलाफ होते हैं उन्हें हम कहते हैं हेरिटिकल आइडियाज। तो जो मिलर ने जो अपने इंटरप्रिटेशन था उसमें हेरिटिकल आइडियाज प्रमोट करे थे, तो इसलिए चर्च के अंदर कोर्ट बैठी, सुनवाई हुई एंड हेरल्ड को, जो मिलर था उसको मार दिया गया। आरसीसी ने मिलर को मार दिया। क्यों? क्योंकि उसने भगवान के मैसेज का गलत इंटरप्रिटेशन करा था अकॉर्डिंग टू द आरसीसी। सो इसकी वजह से जो आरसीसी था, एक ये केस था मिलर वाला जो हमने पढ़ा, इसके अलावा और भी बहुत सारे केसेस रोमन कैथोलिक चर्च के साथ हो रहे थे बिकॉज ऑफ द प्रिंटिंग। तो इसलिए रोमन कैथोलिक चर्च ने क्या करा, इट इम्पोज्ड सीरियस कंट्रोल ओवर पब्लिशर्स एंड बुक सेलर्स। उन्होंने जो पब्लिशर्स थे एंड बुक सेलर्स थे उनके ऊपर एक कंट्रोल लग दिया, सीरियस कंट्रोल लग दिया कि आप ये नहीं छाप सकते हो, आप ये नहीं छाप सकते हो। एक पूरी लिस्ट उनके हाथ में थमा दी कि ये सब नहीं हो सकता है एंड उन्होंने एक मेंटेन करना शुरू करा रिकॉर्ड ऑफ या फिर इंडेक्स ऑफ प्रोहिबिटेड बुक्स। काफी सारी बुक्स उन्होंने लिख दी कि ये प्रोहिबिटेड है, इनको आप नहीं छाप सकते हो। एंड ये कब हुआ, 1558 में। क्यों उन्होंने करा ऐसे, क्यों? क्योंकि लोग इंटरप्रिटेशन कर रहे थे काफी सारे रिलीजियस थॉट्स का जो आरसीसी के रूल्स के खिलाफ था, आरसीसी के चर्च के रूल्स के खिलाफ था। तो इसलिए उन्होंने एक प्रोहिबिटेड बुक्स का रिकॉर्ड बनाया कि आप उन्हें कोई नहीं छाप सकता है और रिलीजियस थॉट्स कोई नहीं फैला सकता है। सो दिस वॉज द प्रिंट एंड डिसेंट। सो योर हाफ ऑफ द चैप्टर इज कम्प्लीट। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई भी क्वेरी है, यू कैन आस्क मी, कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो या फिर इंस्टाग्राम पे डीएम करके। एंड आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। प्लीज़ स्मैश द लाइक बटन एंड प्लीज़ अपने सारे फ्रेंड्स के साथ मेरी वीडियोज़ को शेयर करना एंड उनको भी बोलना सब्सक्राइब करने को। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड आई मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एंड अपना बाकी का चैप्टर कंप्लीट करते हैं। टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।